हेलो दोस्तों, आरपी ज्ञान स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आइए, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम, सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों सौरमंडल क्या है, आइए देखते हैं। सौरमंडल दोस्तों सूर्य और उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह एवं असंख्य आकाशीय पिंडों के मंडल को सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों सूर्य और उसके चारों ओर, सूर्य और उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह एवं अन्य आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं। दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य सौरमंडल का प्रमुख होता है। सूर्य जो है सौरमंडल का क्या होता है, प्रधान होता है। दोस्तों सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड तथा अन्य आकाशीय पिंड मिलकर क्या बनाते हैं, सौरमंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सौरमंडल। दोस्तों जो सौरमंडल है यह मिल्की वे यानी दुग्ध मेखला का भाग है। किसका भाग, दुग्ध मेखला का भाग है। कौन, अपना सौरमंडल। जो सौरमंडल है वह दुग्ध मेखला आकाश गंगा का भाग है। दुग्ध मेखला आकाश गंगा का क्या है, भाग है। किसका, दुग्ध मेखला आकाश गंगा, मिल्की वे। दोस्तों जो ये सूर्य है, सूर्य सूर्य के पास बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सूर्य के पास बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है, जो इन ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रहों को आपस में बांधे जाता है। और यह ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड जो है सूर्य क्या क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं। एक चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये आपका मान लीजिए सूर्य है, क्या है, सूर्य, ये आपका सूर्य है। सूर्य के बाद आठ ग्रह कौन कौन है, तो पहले नंबर पर ग्रह है आपका बुध। कौन सा ग्रह, बुध ग्रह। इसके बाद आपका शुक्र ग्रह, कौन सा ग्रह, शुक्र। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका ग्रह है पृथ्वी, कौन सा, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद आपका मंगल, कौन सा ग्रह, मंगल ग्रह। इसके बाद क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। इसमें अनेक क्षुद्र ग्रह पट्टी है, जिसमें क्या, क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। और इसके बाद आपका कौन सा ग्रह है, शनि। इसके बाद शनि ग्रह है, शनि नहीं, इसके बाद बृहस्पति ग्रह है, कौन सा, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद आपका शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण, अरुण के बाद वरुण,
दोस्तों ये 8 ग्रह है। 8 ग्रहों के मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है। कौन सा ग्रह? क्षुद्र ग्रह। दोस्तों यहीं पर आपका एक बौना ग्रह है। कौन सा ग्रह? बौना ग्रह। बौना ग्रह जिसका नाम प्लूटो है। क्या? प्लूटो। दोस्तों ये सूर्य है। सूर्य जो है सूर्य के चारों ओर यह ग्रह जो है 8 ग्रह और प्लूटो और कुछ क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसका? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। दोस्तों सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह आपका बुध है। कौन सा? बुध। दूसरे नंबर पर आपका शुक्र है। कौन सा? शुक्र। तीसरे नंबर पर आपका पृथ्वी। चौथे नंबर पर कौन सा ग्रह है? चौथे नंबर पर आपका मंगल ग्रह है। इसके बाद आपका पांचवें नंबर पर बृहस्पति है और छठवें नंबर पर शनि और सातवें नंबर पर अरुण और आठवें नंबर पर कौन सा है? वरुण। इसके बाद बौना ग्रह है। बौना ग्रह कौन सा बौना ग्रह है? प्लूटो बौना ग्रह। दोस्तों जो ये बौना ग्रह है पहले ये भी ग्रहों का हिस्सा था। ग्रह था। क्या था? ग्रह। लेकिन अपने जो प्लूटो ग्रह है, प्लूटो जो है वह अपनी कक्षा के साथ साथ वरुण के कक्षा में भी चक्कर काटने लगता था। इसलिए इनको बौने ग्रह की श्रेणी से सॉरी ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। दोस्तों इस तरह आपका सौरमंडल है जो सूर्य सूर्य इसका क्या होता है? प्रमुख। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। जिसके पास सूर्य के पास स्वयं का ऊर्जा और प्रकाश होता है। सूर्य एक क्या है? तारा। सूर्य इस सौरमंडल का क्या होता है? प्रधान होता है। सूर्य ही सौरमंडल का क्या है? प्रधान। दोस्तों जो सूर्य है सौरमंडल का दोस्तों सौरमंडल का सौर सौरमंडल का लगभग 99.8% द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान किसका है? सूर्य का। सौरमंडल में 99.8% द्रव्यमान किसका है? सूर्य का निहित है। किसमें? इस सौरमंडल में। दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि सूर्य के चारों ओर कैसे यह ग्रह और क्षुद्र ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार के सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। दोस्तों देखिए सूर्य के पास क्या है? गुरुत्वाकर्षण। सूर्य के पास गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। और इस ग्रहों के पास भी स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल है। जब सूर्य इस इन ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। और उसी गुरुत्वाकर्षण बल से जो यह ग्रह है वह भी क्या करता है? अपनी तरफ खींचता है। खींचने के जैसे एक ग्रह ये हो गया, एक ग्रह ये हो गया, दोनों आपस में क्या करते हैं? खींचते हैं। यह सूर्य इधर का खींचता है और ग्रह इधर खींचता है। दोस्तों खींचने के बाद एक समान बल लगता है। दोनों एक समय ऐसा आता है कि एक समान बल लगता है जिसके कारण वह जो है जो ग्रह है वह सूर्य का चक्कर लगाने लगता है।